माय डियर फ्रेंड्स, ये है हमारी वेबसाइट, ये देखिए ऊपर www.motorcoilwindingdata.com। ये आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये देखिए जहाँ पर मैंने पूरी की पूरी डिटेल जो आपके लिए बनाई हुई है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पर ये देखिए राइट साइड में नीचे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नज़र आ रहा है, जहाँ नेम में अपना नाम लिखिए, जैसे कि मैं अपना नाम लिखता था राज। ईमेल एड्रेस में आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो आप टाइप कीजिए, ऐसे ऐसे करके जो भी है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। सो नेक्स्ट है मैसेज। मैसेज में आपने टाइप करना है सबसे पहले नेम, जैसा मेरा नेम है राज। नेक्स्ट आप कहाँ से हैं, जैसा मैं हूँ चंडीगढ़ पंजाब। नेक्स्ट कौन सी स्टेट से हैं आप, स्टेट मेरी है पंजाब। नेक्स्ट आप कौन से कंट्री से हैं, कंट्री मेरी है जहाँ पर, सॉरी सबसे पहले जहाँ पर लिखिए आप सिटी। सिटी लिख के इक्वल लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, जहाँ पर लिखिए स्टेट पंजाब, उसके बाद कंट्री आपकी, जैसे मेरी कंट्री है इंडिया। सबसे नीचे आपने मोबाइल नंबर देना है जिस पे आपका व्हाट्सएप नंबर चलता है, जैसे मैं देता हूँ कुछ भी 3 4 5 6 7, ऐसे जो भी होगा आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद ये देखिए आप पूरा सर एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे ऊपर आपने लिखना अपना नाम, सिटी कहाँ से है, स्टेट कहाँ से है, कंट्री कौन सी है, मोबाइल नंबर आपने नीचे दे देना है। मोबाइल नंबर आपने वही देना है जिस पे व्हाट्सएप चलता हो, उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें ज्वाइन कर लिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन करने के बाद आपको मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, जैसे मैसेज आएंगे आप अपने मैसेज भी रिप्लाई कर सकते हैं। सो ये काम करेगी हमारी पूरी की पूरी टीम। सो इस तरह से आप हमारी वेबसाइट को ज्वाइन करके, जहाँ पर दे रखिए सेंड की ऑप्शन है, जहाँ पर इसने मैंने ईमेल एड्रेस गलत डाला हुआ है, आप अपना एड्रेस सही करके जहाँ पर सेंड के बटन पे क्लिक कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया है, इजी है। और फ्रेंड ये देखिए, ये है हमारी वेबसाइट पूरी की पूरी। होम बटन पे सब कुछ मिलेगा जहाँ पर वाइंडिंग डाटा मिलेंगे। ये इलेक्ट्रिकल ट्रेंड से रिलेटेड पोस्ट है जिसमें वाइंडिंग डाटा है, इसमें कनेक्शन डायग्राम है। कोई भी वीडियो चाहिए आप जहाँ पर सर्च कर लीजिए, कुछ भी लिखिए, जहाँ पर आपको सर्चिंग मिल जाएगी, बहुत ही इजी। उसके बाद यहाँ से एंटर दबा दीजिए और ये देखिए ये पूरी की पूरी वेबसाइट है। और ऐसे आपने कोई भी पोस्ट पर नहीं है, जैसे ये पोस्ट है सीलिंग फैन का स्टेटर वाइंडिंग, इस पर जैसे ही क्लिक किया ये देखिए अब इसका पूरे का पूरा डाटा सामने आ जाएगा इस तरह से। देखिए पोस्ट से रिलेटेड आपके पास में माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, पोस्ट को आप जहाँ पर अपने फेसबुक पर शेयर भी कर सकते हैं, ट्विटर इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हैं, इजी है। अगर आपके माइंड में जैसे जैसे सीलिंग फैन की पोस्ट है, ये देखिए सीलिंग फैन स्टेटर की वाइंडिंग के, आपके माइंड में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पर ये देखिए नीचे कमेंट बॉक्स है, जहाँ पर भी क्वेश्चन लिखिए ऐसे लिख के आप ब्लॉगर से भी सेंड कर सकते हैं। ये नॉर्मली ब्लॉगर पर रहता है, और पब्लिश कर दीजिए, लिखने के बाद जो भी आपने करना है पब्लिश कर दीजिए। सो इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर नोटिफाई पे आप क्लिक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर और पोस्ट है इलेक्ट्रिकल मोटर वाइंडिंग, इनको भी आप देख सकते हैं। मैं पूरी डिटेल आपको बाद में बता दूंगा, अभी फिलहाल इतना ही।
फ्रेंड्स, हमारे चैनल में फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रिवाइंड करेंगे एक 24 स्लॉट की मोटर। ये कूलर की मोटर है, 24 है इसके स्लॉट। आज इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है, जो कि मेरे ख्याल किसी भाई ने आज तक इसको इस तरीके से वाइंड किया होगा। फ्रेंड, डिफरेंट ये है कि मैं आज इसको रिवाइंड करूँगा स्पीड्स में, लेकिन स्पीड्स में डिफरेंट ये होगा, मैं आज इसको 3 स्पीड में रिवाइंड नहीं करूँगा, 1 स्पीड में रिवाइंड नहीं करूँगा, सिंगल स्पीड भी रिवाइंड नहीं करूँगा। आज मैं इसको रिवाइंड करूँगा 2 स्पीड में। स्पीड्स होंगी 2, हाई और लो। मीडियम का इसमें कोई काम नहीं। अगर आप 3 स्पीड वाली मोटर की वाइंडिंग जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, वो आपके लिए नहीं है। आप हमारे चैनल पर उसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ, उसको देख लीजिए। आज का हमारा वीडियो जो है सिर्फ उन भाई लोग के लिए है जो कि मोटर में स्पीड निकालना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ हाई और लो। आज का वीडियो उन भाई लोग के लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कॉइल मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं, कॉइल की पूरी डिटेल आपको दूंगा, कॉइल साइज भी बता दूंगा। लास्ट तक आपको मैं कनेक्शन भी इसके करके दिखाऊंगा। सो ये है पहला हमारा कॉइल। ये हमने स्टार्ट किया हुआ यहाँ से, स्पीड वाला कॉइल कुछ इस तरह से 32 नंबर से मैंने स्टार्ट किया है। कॉइल का बनाना पहले 32 नंबर से कॉइल से मैंने डाली 70 टर्न। उसके बाद मैंने लूप निकाल दी यहाँ पर, फिर मैंने ले लिया 30 नंबर, 30 नंबर से मैंने डाली 130 टर्न। टोटल बन गई 200, 32 और 30 मिला के। बस यही है इसका स्पीड वाला कॉइल। बाकी के 3 कॉइल में क्या डालना है, कितना इसका कॉइल साइज है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल का आइकॉन जरूर दबाइए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए नहीं हैं, पहले से ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तब आप लाइक का बटन दबाइए, बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई भी पैसा नहीं लगेगा। लेकिन आप हमें लाइक का बटन दबा के हमारी टीम को मोटिवेट जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बताऊंगा, ये मेरा लाइनर है, मैंने इसको स्क्रैच प्रूफ कर रखा है, इसमें देखिए कोई स्क्रैच नहीं डलेगा। 24 है इस मोटर के स्लॉट। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा पहले आपको, कोर लेंथ इसकी देखिए, नाप लेते हैं। ये देखिए अप्रॉक्सीमेट 1 इंच एक सूत, इनर डाया 3 इंच, आउटर डाया है अप्रॉक्सीमेट 5 इंच, अप्रॉक्सीमेट 5 इंच। 24 इंच के स्लॉट और ये मोटर 220-230 वोल्ट पर ऑपरेट होती है, 200 से स्टार्ट हो जाती है। 4 MFT का इस पर कैपेसिटर लगेगा। 2 स्पीड में मैं इसको रिवाइंड करूँगा, हाई और लो। 3री स्पीड का इसमें कोई काम नहीं। और 7 नंबर आप इसमें वाइट पेपर यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो ग्रीन शीट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कूलर की मोटर है, ग्रीन शीट आप इसमें यूज़ ना ही करें तो अच्छा है, बिकॉज मॉइस्चर से लीकेज आ सकती है। सो इसलिए इसमें जब भी करें वाइट पेपर प्लास्टिक का वही यूज़ करें। आजकल तो बहुत सी कंपनीज हैं जो आपको वाइट पेपर इसके साइज का बिल्कुल बनाकर फोल्ड कर प्रोवाइड करवाती हैं। ये हमने स्पीड वाला कॉइल डाल लिया है, ये ऐसे मैंने कॉइल को उठाया, ऐसे ही रख दिया। फ्रेंड्स, इस मोटर का बाकी का वाइंडिंग डाटा पूरा डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले मैंने कॉइल बनाना स्टार्ट किया 32 नंबर से, 70 टर्न मैंने डाली 32 नंबर से, उसके बाद निकाली मैंने लूप, फिर ले लिया मैंने 30 नंबर, फिर डाली मैंने 130 टर्न,
ये हो गया हमारा स्पीड वाला कॉइल कंप्लीट। उसके बाद फिर मैंने लिया 30 नंबर और बाकी के जितने कॉइल है उसमें डाली मैंने 165 टर्न, 165 टर्न, 165, चार पिच में 165 होगी। और 6 पिच अभी देखिए मैं इस तरह से घुमा रहा हूँ, 2 बार घूम गया कॉइल, यहाँ पर बन गई 330, 4 पिच में 165, 6 पिच में 330। ये था इस मोटर का वाइंडिंग का डेटा। पूरी मोटर बनाएंगे हम, साथ में आपको मैं दूंगा पूरी इंफॉर्मेशन। ये मोटर कॉपर से रिवाइंड हो रही है, अगर आपने एल्युमिनियम का डाटा देखना तो वो अलग से होगा, आप प्लीज़ उसको अलग से देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एल्युमिनियम की वाइंडिंग का डाटा भी आपको लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं ऑलरेडी जाके। और आप हमारी वेबसाइट पर भी अगर डाटा चाहिए आपको तो आप हमारी वेबसाइट जो हमने अभी भी नई नई लॉन्च की है, ऑफिशियली वेबसाइट एक और लॉन्च की है, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वेबसाइट है motorcoilwindingdata.com। पहले ब्लॉग स्पॉट पर थी, अभी हमने डोमेन परचेज किया आपके लिए, अभी वो ब्लॉग स्पॉट से .com पे आ गई है। सो हमने नए नए डेटे वहाँ पर अपडेट करेंगे आपके लिए, ज़रूर विज़िट कीजिए, बिल्कुल मत भूलें वेबसाइट में विज़िट करना, बहुत कुछ है वहाँ पर आपके लिए, मे भी बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको वहाँ से। वहाँ पर भी आप नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं अपना, जीमेल की आईडी से लॉगिन कीजिए गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में लॉगिन होने के बाद वहाँ पर नीचे कमेंट की ऑप्शन आती है, कमेंट कीजिए वहाँ पर। कमेंट वहाँ पर करने के लिए आपको जीमेल की आईडी ज़रूरी है। सो गूगल क्रोम में वहाँ पर आप विजिट कर कमेंट कर सकते हैं, किसी भी डाटा जो हमने वहाँ पर लिखा है उससे रिलेटेड इंक्वायरी वहाँ पर आप डाल सकते हैं। बहुत ही जल्द हम विद इन 1 आवर वहाँ पर हम आंसर देते हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको आंसर मिल जाएगा वहाँ पर। आप हमारा फेसबुक का जो ऑफिशियली पेज है, फेसबुक का इलेक्ट्रिकल ट्रेंड, वहाँ पर जाकर भी उस पेज को लाइक कीजिए, वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन है आप वहाँ पर लिखिए, विद इन 1 आवर वहाँ पर भी आपको आंसर दे दिया जाता है। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में हम अप्रॉक्सीमेट 24 घंटे का टाइम देते हैं। फेसबुक में हमारी जो आईडी है इलेक्ट्रिकल ट्रेंड, वहाँ पर मैसेंजर में जाके आप मैसेज छोड़िए, विद इन 1 आवर अब वहाँ पर आंसर दे दिया जाता है। वेबसाइट पर 1 आवर में फेसबुक का जो ऑफिशियली पेज है उसको लाइक कीजिए, वहाँ पर 1 घंटे में आंसर मिलेगा। और यूट्यूब में जो कमेंट है वहाँ पर विद इन 24 आवर हम आंसर दे देते हैं। और साथ ही में हम लाइव सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप बताइए आपको कौन सा टाइम सूट करता है, संडे को दोपहर का समय आपके लिए सही रहेगा, रात का समय सही रहेगा, जिस टाइम के रिलेटेड ज़्यादा इंक्वायरी आएंगे हम उसी टाइम लाइव होंगे। बहुत से लोग रात का टाइम बता रहे हैं, 8 से लेकर 9-10 बजे तक, आप भी प्लीज़ लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कौन सा टाइम सूट करता है। मैं वो लाइव प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा, वहाँ पर आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगा, वहाँ पर मैं आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे कमेंट बॉक्स में सबको मैं रीड करूँगा, सबके नाम वहाँ पर लूँगा, जो भी मेरे भाई लोग हैं जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते हैं मैं सब भाई लोग के नाम वहाँ पर लूँगा, और जो जो अच्छे अच्छे कमेंट होंगे सबको मैं रीड करूँगा और उनके क्वेश्चन के आंसर उसी समय मैं दे दूँगा। सो कमेंट करना मत भूलिए, कौन सा टाइम आपको सूट करता है, अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए यूट्यूब के नीचे, जितने भी अच्छे कमेंट होंगे सबका नाम लिया जाएगा और सबको वहाँ पर रीड किया जाएगा और तुरंत उन सब के आंसर दे दिए जाएंगे। सो फ्रेंड हम डाल रहे हैं लास्ट कॉइल, डाटा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 32 नंबर से मैंने कॉइल बनाना स्टार्ट किया, 32 नंबर से मैंने डाली 70 टर्न, 70, उसके बाद मैंने ली 30 नंबर, 130 टर्न डाली, और बाकी के जितने कॉइल थे सब मैंने डाले 30 नंबर से, 30 नंबर से 165 टर्न डाली 4 पिच में,
दो बार घुमाया कॉइल को 6 पिच में, टर्न बन गई 330। सो माय डियर फ्रेंड, जी हमारा पहला रनिंग का पार्ट समाप्त हो चुका है। इसका कॉइल साइज है 25.5 इंच। अभी डालेंगे हम स्टार्टिंग का पार्ट। सो माय डियर फ्रेंड, ये है हमारी कॉमन वायर और ये हमारी स्पीड्स हैं। बत्तीस नंबर से स्टार्ट किया और टर्न डाल दी मैंने यहाँ पर 70, फिर मैंने 30 नंबर से स्टार्ट किया, 130 टर्न यहाँ डाल दी और बाकी के जितने कॉइल हैं सब में 30 नंबर से स्टार्ट किया, 165 टर्न डाली 4 पिच में, 330 डाली 6 पिच में। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के पार्ट में इतना ही, स्टार्टिंग हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन तो लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पर भी जाकर विजिट करके वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल का आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर एंड गुड बाय। हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपको हमने इस मोटर की 24 स्लॉट की है जो 2 स्पीड में हमने वाइंड की है। लास्ट वीडियो में हमने इसकी रनिंग वाइंडिंग के बारे में बताया था कि रनिंग में कौन सा हमने नंबर डाला, कितनी टर्न डाली। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका स्टार्टिंग का पार्ट। स्टार्टिंग में हम यूज़ करेंगे 32 नंबर और पिच रखेंगे 4 और 6। साथ ही में मैं वीडियो पूरी डिटेल में आपको बताता जाऊंगा इसकी टर्न कॉइल पिच। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। माय डियर फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्टिंग का पार्ट स्टार्ट। सबसे पहले लगाएंगे टेप। मैं जहां पर ये मास्क टेप लगाऊंगा, फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबाइए बेल का आइकॉन ताकि आने वाले दिनों में आपको और भी इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहे। साथ ही में हमारी वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिए, वेबसाइट का नाम है motorcoilwindingdata.com। ये हमने फिशली अभी अभी लॉन्च की है, विजिट कीजिए, बहुत से डेटास वहाँ पर पड़े हैं आपके लिए जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है उसका, उसको क्लिक कीजिए, क्लिक करके वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए, बहुत से डेटास आपको मिलेंगे। ये मास्क टेप मैं लगा रहा हूँ, ये एक सेपरेशन का भी काम करती है, वार्निश हो जाएगी, ये जलेगी नहीं। फिर
सो फ्रेंड्स, अगर आपने इसको सीधी दिशा में घुमाना है तो जहाँ पर कॉइल डालिए, अगर उल्टी दिशा में घुमाना है तो जहाँ पर कॉइल डालिए। मैं सीधी दिशा में घुमाऊंगा, तीन ब्लेड है इसके, जहाँ पर स्टार्ट करूँगा। सो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस मोटर के बारे में दूंगा। 1 इंची है इसकी कोर लेंथ, 24 स्लॉट की जो मोटर है, हमने 2 स्पीड में इसको वाइंड किया है, हाई और लो, और 4 MFT जो है इसको कैपेसिटर लगेगा 220 वोल्ट पर जो ऑपरेट होगी, और पोल होंगे इसके 4, 1440 RPM पर ये मोटर चलेगी। सो सबसे पहले पत्ती से करेंगे जो नीचे, इस तरह से। अभी जी हमने उठाया, जी हमने यहां से डालना स्टार्ट किया। फ्रेंड, रनिंग में हमने 32 और 30 नंबर यूज किया था, स्टार्टिंग में हम सिर्फ 32 नंबर यूज करेंगे। पिच रखेंगे इसकी 1 से 4 और 1 से 6। जी हमने पहला कॉइल डाल लिया है, इस तरह से आप कॉइल को नीचे बिठाते जाइए। पत्ती की हेल्प से यू कीजिए नीचे, ताकि कॉइल डले बिल्कुल मक्खन की तरह। जी आगे वाला सिरा इस तरह से, और ये बैक वाला ऐसे रहेगा। फ्रेंड, वाइंडिंग डाटा इस तरह से 32 नंबर से डालिए, 160 टर्न, 4 पिच में। और 6 पिच में डालिए 320, कॉइल को घुमाइए 2 बार। आप चारों कॉइल इकट्ठे भी बना सकते हैं, आप सिंगल सिंगल कॉइल बनाकर भी डाल सकते हैं। सिंगल कॉइल 4 कॉइल डालने में जो फर्क होता है, मैं 4 कॉइल इसलिए इकट्ठे बनाता हूँ कि मैंने जॉइंट नहीं लगाना। अगर आपने जॉइंट लगाना है, आपको 4 कॉइल बनाने में दिक्कत आ रही है, तब आप सिंगल सिंगल कॉइल बनाकर भी डाल सकते हैं। फ्रेंड, एक बार फिर से बोलूँगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और कहीं से भी कट मत कीजिए, ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगी फिर आप बाद में गलत वाइंडिंग कर लेंगे, फिर कंप्लेंट आएगी कि मोटर हीट हो रही है, मोटर RPM कम दे रही है, मोटर की स्पीड कम है,
इसीलिए मैं पहले ही बोलता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और अपना डाटा है अच्छी तरह से मैच कीजिए, कोर लेंथ मिलाइए पूरी, इनर डाया आउटर डाया सब कुछ मिलाइए, फिर जाके डाटा को कंफर्म कीजिए, क्योंकि कोई भी डाटा 100% मैं नहीं बता सकता, 100% उसको आपने बनाना होता है अपने साथ। आप 100% बनाएंगे तभी वो चलेगा। मैं 99% डाटा बता सकता हूँ, 100% नहीं। कोर लेंथ मैच आप लोग कीजिए, इनर डायम मैच कीजिए। अगर कोर लेंथ के बारे में नहीं पता तो एक वीडियो हमने कोर लेंथ से रिलेटेड बना रखा है, कोर लेंथ क्या है, इनर डायम क्या है, उसको देखिए। मैंने बहुत से पुराने वीडियो में उसका लिंक दिया है, अगर आपको नहीं मिल रहा है मुझे बताइए, मैं उसका लिंक आपको फिर एक बार दे दूंगा। वो हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल ट्रेंड और राज रिकॉर्ड दोनों में वो वीडियो बना हुआ है। मे भी हमारी वेबसाइट पर भी उसका लिंक होगा, वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं कोर लेंथ क्या है। फ्रेंड डेटा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्टार्टिंग का 32 नंबर यूज़ कीजिए, 160 टर्न डालिए 4 पिच में, 6 पिच में डालिए 320, रनिंग में 32 नंबर से स्टार्ट कीजिए और टर्न डालिए 70, उसके बाद एक लूप निकालिए, फिर डालिए 130 टर्न 30 नंबर से, 130 टर्न 30 नंबर से। ये एक टू स्पीड वाइंडिंग मोटर है, शायद ही किसी चैनल पर अब तक ये मोटर आई होगी, मेरे ख्याल से नहीं बताई गई होगी। इसमें एक स्पीड हाई है और दूसरी है लो, मीडियम स्पीड का इसमें कोई काम नहीं है। तो ये देखिए, ये सिरा आगे वाला आगे से कनेक्ट हो गया, ये पीछे वाला एक पार्ट हमारा कैपेसिटर के लिए वायर निकल गई। कॉइल साइज है इसका 25.5 इंच। फ्रेंड हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलिए, हमारा फेसबुक का पेज है, लिंक उसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट कीजिए, विद इन 1 आवर आपको आंसर दे दिया जाएगा। फेसबुक के कमेंट बॉक्स में हम 24 आवर में आपके हर आंसर को दे देते हैं। साथ ही में फ्रेंड हम एक लाइव सीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो भी अच्छे अच्छे कमेंट होंगे मैंने वहाँ पर उसको रीड करूँगा, उनसे रिलेटेड जो भी इंक्वायरी होंगी उसके मैं आंसर उस समय दूंगा। वो लाइव सीजन हम संडे को स्टार्ट कर रहे जा रहे हैं, आप बताइए आपको कौन सा टाइम सूट करता है। सो माय डियर फ्रेंड, ये हो चुका है हमारा काम स्टार्ट।
अभी आपको दिखाऊंगा मैं इसके कनेक्शंस। जहाँ पर आपने सेपरेशन पहले डाल लेना है, मैंने बहुत से वीडियो में बताया गया है कि कैसे ये सेपरेशन डालना है। वो सेपरेशन डालने के बाद ये इसमें आपने इसको कॉमन वायर बना देना है, जहाँ पर ब्लू वायर लगा दीजिए। मैं इसका डायग्राम बना के अपनी वेबसाइट पर भी डाल दूंगा, आप वहाँ पास, और उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको जाकर पूरा डायग्राम वॉच कर लीजिए। ये हमारी हो गई वाइट या रेड, कोई भी लगा सकते हैं आप इसको। और ये कैपेसिटर को चली गई, जहाँ पर आपने लगानी है ब्लैक वायर, ये हाई होगी और ये होगी लो, ये दोनों कैपेसिटर को जाएंगे। ये दोनों कैपेसिटर की वायर, ये कॉमन वायर, जहाँ पर रेड वाइट कोई भी लगाइए, लो स्पीड है, और ये हाई स्पीड है जहाँ पर ब्लैक वायर लगाइए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन तो लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं बहुत ही जल्द उसका आपको आंसर दे दूँगा। सो फ्रेंड, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई भी इंक्वायरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में वो भी लिखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक्स, टेक केयर एंड गुड बाय।